हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल। अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 एस सी वर्मा का। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रक है जो कि 14 मीटर 14.7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रही है और ट्रक के ऊपर एक पर्सन स्टैंडिंग है। ठीक है, अब बोला है कि वो जो आदमी खड़ा हुआ है ट्रक के ऊपर, वो बॉल को कुछ इस तरीके से फेंकता है कि मैं बोल रहा हूँ कि वो जो आदमी है वो एक बॉल को कुछ इस तरीके से फेंकता है कि वो बॉल उसके पास वापस आ जाती है। यहाँ पर लैंग्वेज लिखी हुई है कि द मैन थ्रोज अ बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज़ मूव 58.8 मीटर। यानी कि कुछ इस तरीके से देखता है कि जब बॉल वापस उसके पास आती है तब जो ट्रक है वो कितना चल चुकी है, 58.8 मीटर वो ट्रक जो है चल चुकी है। ठीक है, यानी कि ट्रक क्या हो गई होगी, यहाँ से वो कुछ आगे चली गई होगी। ठीक है, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, 58.8 मीटर। अब यार यहाँ पर लैंग्वेज में थोड़ी सी मिस्टेक है। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक लिखा हुआ है, यानी कि वो ट्रक पे रिटर्न आती है। यानी कि इसमें साइज, जो ट्रक का साइज़ है, या तो उसको इग्नोर किया हुआ है या तो फिर यहाँ पर होना चाहिए दैट इट रिटर्न्स टू हिमसेल्फ, वो उसके पास खुद के पास बॉल आती है। ठीक है, या तो ये या तो फिर ट्रक के साइज़ को इग्नोर करने के लिए बोला हुआ है। तो कोई बात नहीं, कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है वो। ठीक है, तो देखो भाई, तो ले देखे भाई, देखो अब ट्रक के ऊपर आदमी खड़ा है और ट्रक जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। कांस्टेंट स्पीड से जा रही है मतलब वो कैसी फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है। तो मैं एक काम करता हूँ, उस फ्रेम में बैठ जाता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, हालांकि वो आदमी ट्रक के ऊपर ही खड़ा है, तो अब यार अब उसको नहीं पता कि ट्रक जा रही है नहीं जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, एक बार के लिए भूल जाओ। सोचो, अब अपन लोग जब अर्थ में खड़े रहते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अर्थ जो है वो रेस्ट पे है। नहीं, अर्थ तो रेस्ट पे नहीं है, अर्थ भी मूव कर रही है विद रेस्पेक्ट टू सन। पर क्या हम कंसिडर करते हैं कि अर्थ कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है? अगर अपने को बॉल को कैच करना है तो क्या करते हैं अपन, जस्ट वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं और बॉल अपने पास वापस आ जाती है। तो इस बेसिकली इस आदमी को भी वही करना है। ये आदमी चाहता है कि बॉल वापस मेरे पास आए, तो क्या करेगा, चुपचाप बॉल को वर्टिकली ऊपर डायरेक्शन में फेंक देगा और बॉल उसके पास वापस आ जाएगी। तो पहले पार्ट का आंसर जो एक पार्ट है, सिंपली क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड। इस आदमी को अगर बॉल कैच करनी है तो इसको क्या करना है, सिंपली ऊपर की तरफ फेंक देना है, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड। अब क्या बोला है, जब बॉल वापस आ रही है तब ट्रक कितना ट्रैवल कर चुकी है, ट्रक यहाँ पर पहुँच चुकी है। ठीक है, पर ये सब ग्राउंड फ्रेम में हो रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम में ज़्यादा ध्यान मत दो यार, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये बोला है कि ट्रक जो है 58.8 मीटर ट्रैवल कर चुकी है। अब सोचो, 58.8 मीटर ट्रैवल करने में ट्रक को टाइम कितना लगेगा, सिंपली 58.8 बाय 14.7, क्योंकि ट्रक की स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। तो अगर मेरे को टाइम निकालना है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, 50 सॉरी, इसको कैलकुलेट करते हैं, 58 यार कर लेना खुद ही, 58.8 अपॉन 14.7 आ जाएगा, 58.8 अपॉन 14.7 को जब कैलकुलेट करोगे तो ये टाइम आ जाएगा सिंपली 4 सेकेंड। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेना, कोई खास बात नहीं है। तो बेसिकली उसके पास 4 सेकेंड का समय है। ठीक है, अब 4 सेकेंड में अगर बॉल को वापस आना है तो कितनी स्पीड से फेंका जाए। अच्छा, अगर 4 सेकेंड में उसको वापस आना है कि, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड। ग्राउंड फ्रेम से अगर देखोगे तो उस बॉल का पाथ कुछ इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, और अगर ट्रक के फ्रेम में देखोगे तो उस बॉल का पाथ सिंपली कैसा रहेगा, वर्टिकली ऊपर गया और नीचे आ गया। ध्यान देना, मैं ट्रक के फ्रेम में बात कर रहा हूँ ये वाला, और ये वाला ग्राउंड फ्रेम में। तो अभी फिलहाल ग्राउंड फ्रेम वाले को मारो गोली। ठीक है, अपन तो क्या किए हैं, ट्रक के फ्रेम में बैठे हैं और उसको वर्टिकली ऊपर फेंके हैं, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना अवेलेबल है अपने पास, 4 सेकेंड। यानी कि यहाँ पहुँचने में, टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुँचने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 2 सेकेंड। ठीक है, और अपने को पता है कि किसी भी बॉल को अगर यू स्पीड से फेंकोगे तो उसको कितना देर लगता है ऊपर पहुंचने में, सिंपली यू बाय जी। तो ये हो जाएगा यू बाय जी बराबर कितना, 2 सेकेंड। इसका मतलब यू की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस जी, यानी कि जी कितना होता है, 9.8। 2 × 9.8 करोगे तो कितना आएगा यार, 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो पहले पार्ट का आंसर तो सिंपली हो गया 19.6 मीटर की स्पीड से, और कैसे फेंकना है, वर्टिकली अपवर्ड फेंकना है। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, पहले पार्ट में लिखा हुआ है कि फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक। तो अगर ट्रक से देखोगे तो सिंपली वर्टिकली अपवर्ड फेंकना है, और स्पीड कितनी, 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड पार्ट में ये पूछा हुआ है कि एज सीन फ्रॉम द रोड,
ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अब रोड में कोई यहाँ पर आदमी खड़ा हुआ है, तो एज सीन फ्रॉम द रोड, यानी कि इस इंसान के फ्रेम में अपने को बात करनी है, तो सोचो इस बंदे के लिए ये बात कैसा होगा। ये वाला प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल दिखेगा उसको, किसको, नीचे वाले को। भले ही इस बंदे को कैसा दिखेगा कि मैं बॉल सिंपली ऊपर फेंका हूँ और बॉल नीचे आ गई, स्ट्रेट लाइन मोशन, लेकिन नीचे जो खड़ा है ग्राउंड फ्रेम में, इस बंदे को ऐसा दिखेगा कि जो बॉल है वो कितनी प्रोजेक्टाइल मोशन जो है कर रही है। अब ये आदमी कितनी स्पीड से फेंका है वो तो अपन कैलकुलेट कर लिए, 19.6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बॉल की स्पीड का वर्टिकल कंपोनेंट तो सिंपली क्या हो गया, 19.6 मीटर। यानी कि मैं बनाता हूँ इसको, ये 19.6 मीटर पर सेकेंड। पर ये बॉल इट्सेल्फ, वो जो आदमी है वो खुद कहाँ पर है, ट्रक में, तो ट्रक की भी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। ठीक है, ट्रक की वेलोसिटी कितनी है, 14.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ग्राउंड फ्रेम से देखने वाले को क्या लगेगा, उसके पास दोनों वेलोसिटी है, एक तो ये वाली भी और एक तो ये वाली भी। कैसे भैया, ये कैसे हो गया, देखो सिंपली इक्वेशन होती है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वॉट, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। आई थिंक ये रिलेटिव मोशन में अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये ट्रक है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक करने से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है ना, ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है और ये भी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अगर मैं कुछ नहीं लिखा हूँ, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ ट्रक लिखा हूँ, तो ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये अपने को पता है। तो बेसिकली ट्रक की एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे को ये निकालना पड़ेगा, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी, जो कि ये है, क्योंकि ट्रक के ऊपर जो आदमी खड़ा है वो उसको इतनी स्पीड से फेंक रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये वाली चीज़ ये लिखी हुई है, यानी 19.6 मीटर पर सेकेंड जे कैप। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ ट्रक क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ ट्रक क्या है, सिंपली ये, यानी कि 14.7 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों को ऑब्वियसली वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो बॉल की नेट वेलोसिटी रहेगी वो कुछ इस प्रकार की रहेगी। ठीक है, ये बॉल की नेट वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट कर दूंगा। ठीक है, तो इस वेलोसिटी की अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा v इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट ऑफ 19.6 का स्क्वायर प्लस 14.7 का स्क्वायर। भैया इसको कैलकुलेट कर लेना, ये 24 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, जिसको अप्रॉक्सीमेट करके मैं लिख सकता हूँ 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एस सी वर्मा में भी 25 मीटर पर सेकेंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो उसने 24 पॉइंट समथिंग को अप्रॉक्सीमेट करके 25 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ये कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं एंगल की। ठीक है, क्योंकि सवाल में क्या पूछा हुआ है, देखो यहाँ पर, फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि एज सीन फ्रॉम द रोड। तो अपने को थीटा भी निकालना पड़ेगा, तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, सिंपली टैन थीटा लगा देंगे। थीटा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, टैन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये जो है हाइट का काम कर रही है और ये बेस का काम कर रही है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, तो क्या आ जाएगा, 19.6 अपॉन 14.7। ठीक है, तो यार इसको कैलकुलेट करोगे तो ये समथिंग 1.3333 आएगा। 1.33 मतलब कितना हो गया यार, ये हो जाएगा 4/3, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 53 डिग्री। ठीक है ना, 53 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन अपन फिजिक्स में उसको 53 ही मानते हैं। ठीक है ना, 4/3 यानी कि 53, और अगर 3/4 हो तो 37, तो 53 और 37 अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होती हैं, पर कोई ख़ास बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया भैया सेकेंड पार्ट का, कि अगर कोई ग्राउंड फ्रेम में बंदा देखेगा उस इस डायग्राम पे वापस आते हैं, हाँ ये रहा, ग्राउंड फ्रेम से अगर कोई देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये बॉल जो है वो 53 डिग्री के एंगल पे फेंकी गई है, कितनी स्पीड से, विद द स्पीड ऑफ कितना, अपन जस्ट कैलकुलेट किए 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये जो है अपने बी पार्ट का आंसर हो गया, जबकि ए पार्ट का आंसर क्या था, ए पार्ट का आंसर था 19.6 और वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो आई होप द एक्सप्लेनेशन वॉज क्लियर एंड सफिशेंट, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन अगले वीडियो पे, अगले क्वेश्चन पे, बाय बाय।